दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेवलिंग ट्रिस्ट पर। यह एपिसोड हमारे अलवर टूर का सेकंड पार्ट है। जैसा कि आपने देखा, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने अलवर से पहले विराटनगर में गणेश मंदिर, भीमगट्टे और बीजक की पहाड़ी को एक्सप्लोर किया। इस सेकंड पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे अलवर का म्यूजियम, अलवर सिटी पैलेस, रानी मूसी की छतरी और सिलीसेर लेक। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल ट्रेवलिंग ट्रिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल ट्रेवलिंग ट्रिस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। तो आइए चलिए चलते हैं अलवर के टूर पे। तो दोस्तों इस समय हम लोग आ चुके हैं अलवर और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं पहले सिटी पैलेस के लिए। गाड़ी हमने पार्किंग कर दी है बाहर ही। एक भैया थे, उनके घर था तो वो बैठे थे, बोला यार कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी पार्क कर दो, क्योंकि ये कोर्ट के रस्ते से होके हमें जाना पड़ेगा तो यहाँ का पार्किंग की कोई व्यवस्था है नहीं, तो आपको ऐसे रोड पर ही पार्क करके जाना पड़ता है। तो अब चलते हैं अपन सिटी पैलेस की तरफ। फूड कोर्ट पर हम लोग आ चुके हैं। तो दोस्तों इस समय हम लोग म्यूजियम में आ चुके हैं अलवर के, और पिक्चर ये है कि यहाँ पे 25 रुपीज़ का टिकट है एडल्ट का, और स्टूडेंट है उनका 15 रुपीज़ का। कैमरे को चार्जेस नहीं है, तो कैमरे है लेकिन आपको ऑफ रखना पड़ेगा, और मोबाइल से आप फोटो वगैरह खींच सकते हैं। फिलहाल मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। बहुत खूबसूरत ये म्यूजियम बना हुआ है। दोस्तों अलवर में स्थापित यह म्यूजियम राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा म्यूजियम भी है। इस संग्रहालय में 234 मूर्तियां, 11 शिलालेख, 9702 सिक्के, 2565 पेंटिंग, 2270 हथियार, 1809 वाद्य यंत्रों के ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा यहां हाथी दांत और मिट्टी के बर्तन, फारसी पांडुरूपी के अलावा कई वस्तुएं ऐसी है जो अन्य संग्रहालय में दिखाई नहीं देती। अलवर राज्य के अंतिम शासक तेज सिंह के शासनकाल में संग्रहालय की स्थापना हुई थी। यहाँ 16,000 से अधिक दुर्लभ अमूल्य हस्तलिखित ग्रंथ, राजशाही के उपयोग का सामान, चित्र, सिक्के आदि वस्तुओं का संग्रह है। यहाँ एक मयान में दो तलवार देखने को मिलती है, इसको देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। इसके अलावा अस्त्र शस्त्र कक्ष में हजरत अली की तलवार, जिस पर फारसी में लेख लिखा हुआ है, पत्थर काटने वाली तलवार के अलावा अनेक दुर्लभ हथियार भी यहाँ है। म्यूजियम में राजा महाराजाओं की ड्रेस के अलावा अलग अलग तरह की शतरंज खेलने के अन्य सामान, खाने के बर्तन, मनोरंजन में काम आने वाले वाद्य यंत्र, युद्ध के दौरान पहने जाने वाली पोशाक सहित कई ऐसी चीज है जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों हथियारों के हिसाब से देखें तो देश में सबसे ज्यादा हथियार अलवर के म्यूजियम में ही है। तो दोस्तों इस समय हम लोग देख के आ चुके, जो म्यूजियम था अलवर का वो म्यूजियम हम देख के आ चुके। अंदर कैमरा बनता तो मैंने थोड़ा मोबाइल से कुछ थोड़ा शूट किया, तो कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं था, कोई टिकट चार्ज, ठीक है। और ये बिल्कुल एंट्री से हम निकले, आप देख रहे हैं पीछे बोर्ड गवर्नमेंट म्यूजियम, यहाँ से हम लगा है, और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, और ये यहाँ से जो चौक है उसका एक खूबसूरत नज़ारा, ये देख रहे हैं अभी लोहे का, मैं आपको यहाँ लेके चलूँगा। इसमें फांसी दी जाती थी राजा महाराजा के ज़माने में, ठीक है। कितने खूबसूरत नज़ारे यहाँ से। तो दोस्तों म्यूजियम के अंदर हम लोग देख के आ चुके, बहुत ही खूबसूरत अपनी जो भारत की संस्कृति के जो सामान थे वहाँ, हथियार थे, कपड़े थे राजा महाराजाओं के ज़माने के, और भी कई चीज़ें थी खुदाई के अंदर मिली, मूर्तियाँ थी और भी कई प्राचीन वस्तुएं थी जो हमें देखने को मिली। और अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, मतलब टिकट भी नहीं था और अलाउ भी था, मोबाइल से आप कुछ छोटे फोटोग्राफ खींच सकते थे, तो हमने कर ली, ठीक है। और अब बाहर आए हैं, जस्ट ये एंट्री से हम लोग बाहर आए हैं, और ये सामने देखिए बाहर है, ये जो ऊपर दिख रहा है बाला किला। अब पिक्चर ये है कि बाला किला की एंट्री 3:30 बजे बंद हो जाती है, और अभी बज रहे हैं करीब शाम के करीब करीब 4, ठीक है। तो वो एंट्री वाली बंद हो गई, तो अभी वहाँ जाना हमारे लिए बेकार है। तो अभी हम आपको जो महल का जो और जो बाकी हिस्सा है वो हम घूमेंगे, और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। दिन को हमें जितनी गर्मी लग रही थी उतनी गर्मी पूरी छूमंत हो चुकी है, ठंडी हवा चल रही है, बहुत मस्त हवा चल रही है, ठंडी हवा। तो यहाँ रुकने में बड़ा आनंद आ रहा, बड़ा अच्छा फील हो रहा है रुकने में। तो थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, कुछ फोटोज़ वगैरह लेंगे और थोड़ा एंजॉय करके फिर सामने महल वगैरह घूम के हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक खास बात थी इस महल की कि इस महल में लगभग बहुत बड़े हिस्से को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर रखा है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, तो ये बड़ी अजीब सी चीज़ लगी मेरे को कि भारत की जो मॉन्यूमेंट है बहुत अच्छे, उनको इस तरह से गवर्नमेंट ने अपना ऑफिस खोल लेती है, बिल्कुल गलत लगा मुझे। तो इनको ऑफिस खोलने के लिए अपनी खुद की बिल्डिंग्स लेनी चाहिए और ये चीज़ें पब्लिक को देखे रखनी चाहिए। तो ये तो खैर भगवान जाने क्या है, पर यहाँ बहुत अच्छा मौसम हो चुका। और एक बार फिर से आप देख लीजिए सीन महल के, किले के, बारा किले के, जैसे अलवर शहर के, ये चौक के, और एक बहुत ही, मैं आपको फिर चीज़ एक चीज़ बताऊँ, बहुत ही रोमांचक चीज़ सामने आप देख रहे हैं लोहे का ये
ये जो लोहे का एंगल, ये राजा महाराजा के जमाने में इसके ऊपर फांसी दिया थी। ठीक है, तो ये भी हम नीचे आके आपको दिखाएंगे। और ये सामने फाउंटेंस वगैरह थे, ये एक तरह से मतलब दरबार की तरह जनता दरबार की जगह थी। तो राजा महाराजा इसके अंदर छत के अंदर बैठ रहे, यहाँ पब्लिक की वो जो भी समस्या थी या दरबार की तरह वो हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी हम चल लेंगे नीचे और फिर देखते हैं आगे। और एक बार इधर से भी आप सीन देख लीजिए पूरे अलवर के। ठीक है, अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर से बोला था कि मैं आपको एक रोमांचक चीज़ दिखा रहा हूँ, वो देख लिए, अब हम उस चीज़ के आसपास आ चुके हैं। ये रहा वो सिस्टम फांसी लगाने का। ठीक है, देखा आज भी अपने गुरूर में खड़ा हुआ, जहाँ पे अपराधियों को फांसी पर लटकाया जाता था राजा के द्वारा सजा दे के। मैं इतनी जगह घूमा हूँ और मैंने कहीं पर भी इस प्रकार से एक जो फांसी का जुगाड़ लगाओ परमानेंट इस प्रकार से नहीं देखा। सभी जगह से उखाड़ दिए गए या हटा दिए गए, बट यहाँ आज भी स्थापित है। कितनी खूबसूरती है यहाँ पे देखिए। और ये मैंने अभी आपको वहाँ ऊपर दिखाया था जनता दरबार, ये वही जनता दरबार वाली जगह है। ये राजा के बैठने की जगह है छतरिया, और नीचे पब्लिक की सुनवाई के लिए पब्लिक इकट्ठा होती थी। तो थोड़ी देर एंजॉय करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, फिर चलेंगे मूसी रानी की छतरी की तरफ। तो जस्ट म्यूजियम के वहाँ से हम नीचे उतर के और सीधे आ गए हैं मूसी रानी की छतरी के पास। ठीक है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे भी, और सामने बोर्ड भी है छतरी महाराजा बख्तावर सिंह। तो ये भी आपको दिखाए थे अलवर का बेहतरीन टूरिस्ट पॉइंट है। रियासत काल में बनी मूसी महारानी की छतरी अलवर के मुख्य पर्यटक स्थलों में शामिल है। बाला किले की पहाड़ी की तलहटी में बने इस स्मारक के पास ही सागर है, जहां रियासत काल में राजा नौका विहार करते थे। मूसी महारानी की छतरी वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। मूसी महारानी की छतरी को महाराजा बख्तावर सिंह और उनकी रानी मूसी की याद में उस समय के राजा विनय सिंह ने बनवाया था। कहा जाता है कि मूसी महारानी महाराज से उम्र में काफी छोटी थी, जो महाराज बख्तावर सिंह की चिता पर सती हो गई थी। इस स्मारक के ऊपरी भाग में चबूतरे पर राजा व रानी के पदचिन्ह भी बनाए गए हैं। इसके अलावा यह शहर वासियों की आस्था का केंद्र भी है। मान्यता है कि यहाँ बने मूसी महारानी और राजा बख्तावर सिंह के पदचिन्हों को पानी से धोकर अगर उस पानी को शरीर पर लगाया जाए तो बीमारियां दूर हो जाती हैं। छतरी के ऊपरी भाग में कृष्ण लीला के भाव और महाराज बख्तावर सिंह का हाथी पर सवारी का चित्रण किया गया है, जबकि छतरी को रंग बिरंगी कलाकृति से सजाया गया है। यह छतरी फूल के आकार की है, जिसे भूरे बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर के मिश्रण के साथ बनाया गया है। मूसी महारानी की छतरी की पहली मंजिल को बलुआ पत्थर और ऊपरी मंजिल और छतरी सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जबकि इमारत की आंतरिक छत को कुछ सुंदर पौराणिक चित्रों और भित्ति चित्रों सजाया गया है। मूसी महारानी की छतरी घूमने का समय प्रतिदिन सुबह 9 से शाम 7 बजे तक का होता है। तो दोस्तों फाइनली करीब करीब हो चुके हैं 5, और अब आज के दिन का हमारा जो लास्ट पॉइंट जाना पेंडिंग का वो है सिलीसेड लेक। तो यहाँ से करीब करीब हमने अलवर के दोनों पॉइंट घूम लिए, मूसी रानी छतरी देख ली, पैलेस देख लिया, म्यूजियम देख लिया, तीनों पॉइंट हो गए। ठीक है, और शाम भी होने वाली है, तो यहाँ से करीब करीब अभी हमें लगेगा 15-20 मिनट तो गाड़ी पार्किंग पहुँचेंगे, और फिर वहाँ से पार्किंग से गाड़ी लेकर हम पहुँचते सीधे सिलीसेड लेक के लिए। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए पूरे सीन, और ये मूसी रानी की छतरी का एक बार सीन देख लीजिए। बहुत शानदार व्यू पॉइंट है यहाँ पे, और सामने ये महल वगैरह बहुत अच्छा पिक्चर व्यू आ रहा है इनका, काफी अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस समय हम लोग जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे आ चुके हैं। पिक्चर ये है कि 100 रुपीज का पर कैंडिडेट टिकट है, एक टिकट हम लोग 5 टिकट लिए 500 रुपये के, पार्किंग फ्री है, और भी यहाँ से हम आगे चलते हैं। 8 बजे तक का टाइम है, फिलहाल शाम के बज चुके हैं 5:15। ठीक है, तो टिकट लेके हम लोग आगे चलते हैं।
दोस्तों सिलीसेर झील अलवर की सबसे बड़ी झील है। यह झील अलवर से जयपुर सड़क मार्ग पर करीब अलवर से 13 किलोमीटर दूर है। सिलीसेर झील को अलवर में पानी की आपूर्ति को पूरा करने के लिए बनाया गया था। सिलीसेर झील को सन 1845 में महाराजा विनय सिंह जी ने बनवाया था। यह झील अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है। इस झील के किनारे एक पैलेस भी बना हुआ है जो महाराजा विनय सिंह जी ने 1844 में अपनी रानी के लिए बनवाया था। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टोरी ये है कि हम लोगों ने टिकट ले लिया है 1200 रुपये का मोटर बोट का। पूरी मोटर बोट 15 मिनट की राइड है और उसके अलावा यहाँ दो सिस्टम और एक स्पीड बोट है, इसका रेंट है 2000 रुपये फॉर 10 मिनट्स और एक जेट स्की जो कि चार्ज का 800 रुपीज़ वो दो लोगों के लिए। अब आगे स्टोरी ये थी कि यहाँ कोई फैमिली थी नहीं, तो हम किसी फैमिली मैनेज कर लेते, 1200 का टिकट आधा बोल लेते आधा हम देते, पर शाम हो चुकी तो हमारे अलावा यहाँ कोई है नहीं, तो 1200 का टिकट लेके हम लोग सभी बोटिंग करने जा रहे हैं। सामने देखिए सिलीसेर लेक के शानदार व्यू, बहुत ही खूबसूरत। शाम का टाइम हो चुका है और बोटिंग के लिए जाते हैं हम लोग। ठीक है, ये शानदार बोर्ड कर सकते हैं जो बोर्ड लगा हुआ चार्जेस का। अभी लाइफ जैकेट वगैरह पहनेंगे और फिर मिलते हैं आपसे लेक के अंदर। तो आ चुके हैं नीचे हम लोग और लाइफ जैकेट पहन रहे हैं बच्चे अच्छे सब लोग। ओके, वी आर रेडी टू गो फॉर द बोटिंग इन द सिलीसेर लेक। ये देखिए दोस्तों, हम लोग इस समय सिलीसेर झील के अंदर, शानदार व्यू। वी आर इन द सिलीसेर लेक इन द अलवर ऑन द ओकेशन ऑफ माय बर्थडे। हाँ जी बताइए, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा अच्छा, और इसको छोटी गुड़िया को कैसा लग रहा है आज सिलीसेर लेक में आके? वाह क्या शानदार नजारे। आज हमारे कन्हैया जी भी बैठे हैं, नौका विहार कर रहे हैं कन्हैया जी भी। हाँ तो मैडम जी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, पहली बार आए हो आप तो। और ये गुनगुन, ये दोनों मैम पहली बार आई है और ये दोनों छोटी और मैं पापा, हम शायद सेकंड टाइम आए सिलीसेर लेक में। ये देखिए ये है सिलीसेर पैलेस। ठीक है, तो यहाँ हमारे वेलकम ड्रिंक है जिसको हम लेंगे अभी। और ये सामने पाल है झील की, जहाँ भी हम लोग अभी जाएंगे ये, ठीक है, वहाँ भी जाके जैसे फोटोग्राफी वगैरह करेंगे। और ये एक टापू बीच में और सूरज का बहुत ही शानदार सीन। ठीक है दोस्तों, करो एंजॉय घर बैठे ही। और ऐसे ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपको अच्छा लग रहा है तो, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और भी ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। ओके, अब एंजॉय करते हैं बोटिंग। बोटिंग करके हम लोग आ चुके हैं कैफेटेरिया में और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमको 5 टिकट लिए थे, तो 5 एक टिकट पे एक वेलकम ड्रिंक मिलता है, तो हम लोगों ने 4 कोल्ड ड्रिंक और एक कॉफ़ी लिए। तो दोस्तों इस समय हम लोग वहाँ, वो देख रहे हैं वहाँ से हम लोग यहाँ आ गए और ये एक मतलब जो झील का लास्ट पॉइंट है वहाँ पे एक व्यू पॉइंट रखा है, इसके अंदर गेट से हम एंट्री लेके और व्यू पॉइंट देखने के लिए आए हैं। बहुत ही यहाँ से शानदार खूबसूरत झील दिख रही है, आपको दिखाऊं। ये देखिए यहाँ से खूबसूरत शानदार व्यू आ रहा है झील का, ये पार्क बना हुआ आगे तक वॉकिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छी ठंडी हवा लग रही है झील की वजह से। ये देखिए सामने भानगढ़ फोर्ट की फोटो बना रखी है। अरे काले मुँह के लंगूर भी हैं। ठीक है, गाड़ी पार्क वहाँ है हमारी। तो दोस्तों हम लोग जयपुर के रवाना हो चुके थे, लेकिन रास्ते में फिर एक व्यू पॉइंट आया, जाते टाइम मैं यहाँ गाड़ी नहीं रोक पाया था, तो ये लिखा 12 बियर नदी और सामने एक टेंपल भी है, तो चलते हैं आगे और इस व्यू को भी आपको दिखाते हैं। यहाँ आके याद आ गई उत्तराखंड जैसी, ये उत्तराखंड इस बार पुल बने हुए रहते हैं,
उससे ज़्यादा सीन यहाँ आ चुका है। अरे यस 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 हिप्पोपोटामस कछुआ कछुआ अरे देख कछुआ देखो वही कछुआ वीडियो ना बहुत ठंडी हवा चल रही है बहुत ठंडी हवा बहुत ही शानदार सीनिक व्यू। तो शाम के बज चुके हैं 7 और अभी हमारा सफर है करीब करीब 130 किलोमीटर दूर है हम लोग जयपुर से और यहाँ व्यू पॉइंट रुके थे व्यू पॉइंट देख लिया काफ़ी अच्छा यहाँ में मतलब एक्सपीरियंस रहा व्यू पॉइंट का नदी का काफ़ी ठंडी वाली थी और गाड़ी में बैठ के वापस हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है थोड़ी देर फिर मिलता हूँ आपसे। दोस्तों आज का हमारा एक टूर कम्प्लीट हो चुका है अभी रात के बज चुके हैं 10 और इस समय हम लोग आ चुके हैं आमेर के पास में खाना खाने का टाइम हो चुका तो सभी लोग अंदर गए हैं रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर करने और हमारा ये टूर आप लोगों ने देखा हम लोग सुबह निकले थे और अलवर का हम लोग टूर था तो अलवर में लास्ट हमारा पॉइंट था सिलिसेड लेक जहाँ से हम लोग निकले शाम को 6:30 बजे तो यही टूर करते हम लोग आ गए यहाँ। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल टाइम टिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल टाइम टिस्ट को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर बताएं और शेयर भी करें। ठीक है एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।